मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा घनश्याम दास साहित्यिक पुरस्कार इस बार चार भाषाओं के नामचीन लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें हिंदी भाषा के लिए सुंदरचंद ठाकुर, मराठी भाषा के लिए प्रफुल्ल सिलेदार, गुजराती भाषा के लिए श्रीमती पूर्णिमा एम सेठ, राजस्थानी भाषा के लिए मधुकर गौड़ को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पिछले 27 साल से यह संस्था विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं के लोगों का सम्मान करती आ रही है। इस अवसर पर अशोक श्राफ, विश्वनाथ सचदेव, सुशील व्यास, सुरेश देवड़ा, श्रीकांत डालमिया, कन्हैयालाल सराफ सहित भारी संख्या में गणमान्य अतिथि मौजूद थे। पेश है मेट्रो इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। शानदार था मारवाड़ी सम्मेलन ने चार चार भाषाओं के साहित्यकारों को पुरस्कृत किया और बहुत खुशी की बात है कि वो 27 वर्षों से ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी वो इस तरह से साहित्य की सेवा करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है और उन्हें बहुत बहुत बधाई। देखिए, 2 साल पहले जब ऐसा हुआ था तो वो दौर मेरे ख्याल से गुजर गया है। पिछले 1 साल से ऐसा कुछ है नहीं, जो दोनों पक्षों में जिस तरह का गलतफहमियां पैदा हुई थी वो अब तो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन वो एक सांकेतिक तरीके से एक विरोध किसी भी देश के साहित्यकार जब प्रदर्शित करते हैं तो उसका एक अर्थ है, उसको समझने की ज़रूरत है और उसे दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनके कंसर्न को समझा जाना चाहिए और जिन मुद्दों को लेकर उनका विरोध है उन मुद्दों को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। करके मारवाड़ी सम्मेलन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, क्योंकि साहित्य क्या होता है, किसी समय का इतिहास उठाकर देखे तो साहित्य बताता है कि उस समय क्या परिस्थितियाँ रही है। तो साहित्यकार समाज को एक नई दिशा देता है, साहित्य के माध्यम से हम इतिहास के अंदर अगर जाते हैं तो पता चलता है कि उस काल में क्या घटनाएं हुई, क्या सामाजिक परिस्थितियाँ थी, क्या रिश्तों की थी, घरेलू परिस्थिति क्या थी और समाज की क्या हालत थी, देश की क्या हालत थी या किसी व्यक्ति विशेष की क्या हालत थी उस समय। वो व्यक्ति विशेष के बारे में अगर किसी को जानना हो, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानना हो, इतिहास के बारे में जानना हो, तो साहित्य एक ऐसा विषय है कि जो पुस्तकों में छप कर आता है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत पॉपुलर हो गया है लेकिन वो क्षणिक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतना संभाल के चीज़ें रखी नहीं जाती जितना कि छपकर और छनकर जो चीज़ हमारे सामने आती है वो साहित्य कहलाती है। और बाकी तो जो पत्रकारिता भी है वो भी हरीडली रिटर्न लिटरेचर अंग्रेजी में कहा जाता है कि जल्दी जल्दी में लिखा हुआ साहित्य है। साहित्य की अपनी परिभाषा है और साहित्य को लोगों ने अपने अपने ढंग से जिया है। और मारवाड़ी सम्मेलन आज इतने वर्षों से 1936 में हम लोगों ने शिव कुमार भुवाल का पुस्तकालय की स्थापना की थी, आज 100 साल से अधिक की संस्था है और महिला शिक्षा के क्षेत्र में बोलिए, साहित्य को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में बोलिए, पत्रकारिता को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में बोलिए, तो मारवाड़ी सम्मेलन बहुत बड़ा काम कर रहा है। जैसे हमारी क्या है कि इसमें 5-6 जना की कमेटी है, उसका संयोजक मैं श्रीकांत डाली मैं खुद हूँ, इसके अंदर प्रेसिडेंट रहता है हमारे मारवाड़ी सम्मेलन का, सेक्रेटरी रहते हैं और बाकी लोग रहते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि हम लोग सबसे मंगाते हैं कि भाई आप हिंदी भाषी के जानकार, आप हिंदी भाषी का दो, मराठी के मराठी को। जैसे इसके हमारे जो मेन डोनर है ना वो महावीर प्रसाद जी सराफ है, तो उनसे भी हम मंगाते हैं कि भाई आप किसको मतलब ना देना चाहते हो, फिर उनका भी हमारे पास में आता है, फिर हम शिक्षा प्रेमी को ढूंढते हैं, फिर हम चयन करते हैं, चयन करने के बाद में फिर हम मीटिंग में रखते हैं, मीटिंग में उसको पास होता है, पास होने के बाद फिर कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि इस बार हमने इसको नहीं दिया, कभी कभी ऐसा भी किसी का आता है तो हम उसको नेक्स्ट ईयर के लिए कंसीडर कर लेते हैं।